को अब कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को। टीएसएम एंटिटी जॉनसन की फाइट इनिशिएट हो चुकी है, पोजीशन इनकी रिवील्ड है, बढ़िया स्प्रे आता हुआ रहे इसकी साइड से, 7 किल्स ऑलरेडी निकाल चुका है टीम गॉडल ने। मैं आपको लेकर चलता हूं स्मोकी के पास, यहां पर थोड़ा सा स्पॉट करने की कोशिश करी सेंधी को, क्या स्पॉट, पहला नॉक आता हुआ साइरस फाइटिंग के लिए, 1v2 की सिचुएशन है, ओपन में आया स्पॉट किया स्मोकी को एंड टीम गॉड लाइक कमिंग। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। जो फ्लाइट पाथ है वो आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सदर्न फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिलता हुआ हॉरिजॉन्टल, मिल्टा पावर टू प्रिमोस के जा रहा है फ्लाइट पाथ। अर्ली फाइट्स गाइस पोचिंग की में होने की उम्मीद है, मिल्टा में हमें अर्ली फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। जॉनसन का टाइम गया इस पावर बीस्ट मोड ऑन नेक्स्ट ऑफ रैगर, लेट्स सी गाइस कि कैसा हमें यहाँ पर गेम प्ले देखने को मिलता है सारी टीम्स के साइड से। एंड ओके काफी सपोर्ट आ रहा है गाइस टीम्स का, देखना इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसी हमें जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलती वाली है। जितने भी लोग देख रहे हो गाइस मेक श्योर कि आपने लाइक वाला बटन दबा दिया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक बार आपको जल्द से दिखा देता हूँ सारी टीम, OPMYM टीम ब्लाइंड एंड टीम गॉडल जो गाइस वो एक दूसरे के क्लोज बहुत ज्यादा है। पोचिंग की गाइस इन दोनों ही टीम का प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन रहता है, 4v4 की सिचुएशन है, जो फाइट्स है वो हमें इनिशिएट होते ही दिखाई दे सकती है किसी भी मूवमेंट। टीम ब्लाइंड की बात करें गाइस तो हल्का सा ईस्टर्न सिटी की साइड दिखाई दे रहे हैं, टीम गॉडल की बात करें तो उनके तरफ से भी आई वुड से कि अच्छा उन्होंने अपनी पोजीशनिंग बना करके रखी है। पहली ओपनिंग का गाइस इंतजार रहेगा एंड आई गेस कि ओपनिंग मिलते ही यहां पे जो क्लोजन है वो देखने को मिल सकता है। अगर गोकू की बात करें तो थोड़ा लो एचपी पे जरूर से, हीलिंग्स इनके पास ऑलरेडी मौजूद है पर कोई बूस्टर नहीं है, तो अपने आपको बूस्ट करने के लिए शायद कुछ जो इक्विपमेंट है वो लेने पड़ जाए बाकी के प्लेयर से। विलियम्स के पास मैं आपको लेकर चलता हूं, थोड़ा सा अपफ्रंट दिखाई दे रहा है और यहां से जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके अपने टीममेट्स को देने वाले हैं। सो लेट्स सी गाइस यहां पे क्या होता है, पहली ओपनिंग का जो इंतजार है वो रहने वाला है फिलहाल दोनों ही टीम्स को एंड हमें इंस्टेंट पुश जो है वो देखने को मिल सकता है यहां पे टीम ब्लाइंड वर्सेस टीम गॉडल एंड दे आर कंटेस्टिंग फॉर दिस ड्रॉप लोकेशन। टीम गाइस टीम ब्लाइंड के पास 4v4 की सिचुएशन यहां पे हमें देखने को मिलेगी। टीम एसटीएट के जो ब्लेज ओपी है वो हो चुके हैं नॉकआउट, मैं आपको उस फाइट में भी लेकर के चलूंगा बट लेट्स सी गाइस यहां पे क्या फाइट इनिशिएट हो सकती है अभी। जी नहीं, विलियम्स गाइस एक अच्छी पोजीशन पे जरूर से, थोड़ा सा स्टेलमेट वाली पोजीशन है, क्या टीम गॉडल फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए जाएगी ये देखना पड़ेगा। ओके मीनवाइल गाइस जो रोटेशन है वो भी हमें देखने को मिलते हुए, एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट जो है वो आता हुआ सर्कल के अंदर, काफी सारी टीम गाइस अभी भी सर्कल के बाहर है तो रोटेशन हमें देखने को मिलेगा। अभी भी गाइस टीम ब्लाइंड एंड टीम गॉडल एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मेरे ख्याल से जो फाइट है वो अब किसी भी वक्त इनिशिएट हो सकती है क्योंकि क्लोज इन कर लिया दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स ने। सो इट माइट बी पॉसिबल कि यहां पे थ्रोबल्स का इस्तेमाल करके पहली ओपनिंग क्रिएट करे गॉडल। गोकू की बात करें गाइस विलियम्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है और ये आता हुआ पहला नॉक, जो ओपनिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। टीम गॉडल जो है वो अपना पहला प्लेयर जो है उनका वो नॉकआउट हो चुका है। यहां पे रेड जो है वो क्लोज इन करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना इनका ये पहला ओपनिंग निकालना। गोकू को क्या रिवाइव करने के लिए जाएंगे, एक नेट जो है वो जरूर से उन्होंने थ्रो किया स्टेयरकेस पे एंड इसी के साथ सप्रेस करने में कामयाब होंगे, रिवाइवल जो है वो इनिशिएट हो जाएगा एंड ये रिवाइवल होते ही फाइट इवन हो सकती थी लेकिन पेन को स्पॉट किया गया, कर दिया उनको नॉकआउट। टीम ब्लाइंड अब थोड़ा सा बैकफुट पर, ये दोनों ही गाइस उच्च स्तरीय टीम, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन दोनों ही टीम्स का गेम प्ले, थ्रोबल्स जो उसका लगातार इस्तेमाल करते हुए ब्लाइंड विलियम्स फिलहाल नॉकआउट हो जाएंगे, अपने ही नेट से ओवरकुक किया एंड यहां पर एक ब्लंडर जो है वो हमें देखने को मिलता हुआ। कैसो के पास मैं आपको लेकर चलता हूं, कैसो एंड नेविन आर द ओनली टू प्लेयर सर्वाइविंग, 1v3 फॉर नेविन, स्पॉट किया कर दिया इनको नॉकआउट, नाउ कैसो इज द ओनली प्लेयर सर्वाइविंग एंड टीम गॉड लाइक showing some godlike performance over here, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने अभी तक लूज नहीं कराया। कैसो इज द ओनली प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम टीम ब्लाइंड, क्या यहां पर 1v4 क्लैश निकाल पाएंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल गाइस। टीम गॉडल की बात करें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, डेडली उनकी गन पावर एंड कैसो जो है उन्होंने एक नेट को करा, पोजिशन इनकी रिवील्ड है बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्लोज इनके नेट आता हुआ। लेट्स सी कि कैसो जो है वो एस्केप करने में कामयाब हो पाएंगे, फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए जाते हैं या फिर यहां से बैक ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। टीम गॉडल की बात करें गाइस जरूर से चेस करते हुए दिखाई देंगे, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन फ्रॉम हियर। कैसो के पास एक व्हीकल जरूर से मौजूद है, this can be something, let's see guys ki vehicle lekar ke kya retreat karne mein kamyab ho payenge। goku jo hai wo aa chuke hain into the picture, yahan pe close in kar rahe hain and main aapko leke chalta hu kaiso ke paas, piche se spray zarur se aane wale, kya yahan par head chase kar payenge, लो करने में कामयाब हुए। केसो इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस फाइट एंड मेरे ख्याल से वो कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, यहाँ पे काफी आगे आ चुके हैं एंड अगर हम बात करें गाइस टीम गॉडल की तो उनके पास अभी कोई व्हीकल जो है वो है नहीं, एफपीपी एक फाइट जो है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल सदर्न पार्ट ऑफ मैप में एंड ओके टीम गॉडल के पास मैं आपको लेके आ चुका हूँ, एक फाइट यहाँ पे इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही थी बट आई गेस की उस फाइट का अंजाम तक पहुंच अंजाम तक पहुंच चुकी है। टोटल 4 किल्स आ चुके गाइस टीम गॉडल के फेवर में, व्हीकल्स उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो रोटेशन है वो हमें देखने को मिलेंगे। एक फाइट जो गाइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के लिए गाइस, जॉर्जपुल की जो सिटी है वहां पे अभी कुछ कंपाउंड हमें दिखाई दे रहे हैं बट बिल्कुल ये ओपन का सर्कल, मजा आने वाला है। एक फाइट जो गाइस वो इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है,
है एंड बैकफुट पर नजर आ रहे गाइस सभी के लिए कॉमेडी स्क्वाड टंकी जो है वो ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं और यहां पर एक क्लोज रेंज कॉम्बैट चलता हुआ टीम गॉडल क्लोज इन कर चुकी है गोकू हो चुके हैं नॉकआउट एंड रेड जो है वो इनटू द पिक्चर क्लाउनी जो है वो क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं एक जो थ्रोएबल है उसका इस्तेमाल जरूर से करेंगे टीम गॉडल गाइस अभी के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है जो थ्रोएबल था उसका लगातार इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्मोकी बहुत ही अच्छा उन्होंने एक ऑफ एंगल क्रिएट करा अपनी पोजीशन रिवील नहीं करी नाउ गमला बॉय इज द ओनली प्लेयर सर्वाइविंग 1v4 फॉर हिम बट ही कांट मेक इट एंड दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ टीम कॉमेडी स्क्वाड टीम गॉडल गाइस बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले दिखा रही है दिस इज द सेकंड स्क्वाड वाइप व्हिच आई वुड से 8 किल्स इनके फेवर में ऑलरेडी आ चुके हैं क्लच गॉड जो है गाइस उन्होंने एक नेट करके किया है नॉक आइए मैं आपको लेके चलता हूं इनके ओके गाइस थर्ड फेज जो है वो बन चुका है तो मैं जल्दी से गाइस आप लोगों को बता देता हूं प्लेयर का नाम तो प्लेयर का नाम है गाइस गॉडल रेड अभी तक इनके 3 किल्स हैं और आपको प्रेडिक्ट करना है कि कितने किल्स निकालने में कामयाब हो जाएंगे जल्दी से गाइस आप लोग अपना प्रेडिक्शन देना स्टार्ट करिए आपको लिखना है गॉडल रेड स्पेस जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उनके किल्स कितने होंगे एंड देखते हैं गाइस कि आपके प्रेडिक्शन जो है वो सही होते हैं नहीं 100 रुपए का गाइस आप लोग को जो गिव अवे है वो मिलेगा इस मैच में और तीनों मैचेस में गाइस 100 रुपीज के गिव अवे एक बार फिर से बताए तो गाइस गॉडल रेड के आपको किल्स जो है वो करने हैं प्रेडिक्ट तो आप लोग को गाइस यहां पे लिखना है गॉडल रेड स्पेस दे करके जितने किल्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो एंड लेट्स सी गाइस कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही जाता है नहीं अभी के लिए गाइस रोटेशन दे तो नजर आ रहा है टीम गॉडल के प्लेयर्स जो सदर्न पार्ट का एरिया रहता है वहां से क्लोज इन करेंगे टीम वॉकआउट्स की टीम भी एंड लेट्स सी यहां पे क्या होता है क्लच गॉड फिलहाल फिनिश ऑफ हो चुके हैं एंड जोनाथन अभी के लिए थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए दिखाई देंगे इस फाइट से इसी बीच गाइस टीम गॉडल जो है वो आ जाएगी सर्कल के अंदर स्पॉट कर चुके हैं अभी के लिए टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर को कुछ स्पेस जो है वो हमें देते हुए नजर आ रहे हैं एंड रेड की बात करें गाइस 4 किल्स ऑलरेडी इनके हो चुके हैं आपने प्रेडिक्शन जरूर से दे रहे होंगे आप लोग अभी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके किल्स प्लेयर्स जो है वो अपने आप को हील करते नजर आ रहे हैं सर्कल के अभी भी बाहर है जॉनथन जो है वो अभी सोलो प्लेयर बचे और उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंजेलो इट माइट बी पॉसिबल कि एक 1v1 की जो फाइट है वो हमें यहां पर देखने को मिले टीम एसटीएच जो है उनकी फाइट भी हमें यहां पर चलती हुई नजर आ रही है जॉनथन की बात करें गाइस अभी के लिए थोड़ा सेफ नजर आ रहे हैं टीम गाइस अब देना ही पड़ेगा टीम गॉडल जो है वो ऑलरेडी एक अच्छे कवर में है अच्छा हाइट का एडवांटेज गाइस हमें देखने को मिलता हुआ ओके हियर कम्स टीम मार्कोस गेमिंग स्पॉट 1 नॉक्स 1 प्लेजी हो जाएंगे नॉकआउट एंड अब जो मोमेंटम है वो हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है टीम अगर हम बात करें गाइस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते पर यहां पर एक ब्लिंक ऑफ आई में 3 प्लेयर्स इनके नॉकआउट हो जाएंगे फियर्स बचते हैं सोलो प्लेयर काम रहेगा इनका रिवाइव करने का मीनवाइल सर्कल के अंदर इनकी एंट्री आ चुके टीम गॉडल की बात करें दे आर लुकिंग लीथल क्लोज इन करने के लिए आ चुके एंड फियर्स जो है उनको स्पॉट करके कंफर्म कर दिया गया सेंसी को स्पॉट करा है जोनाथन ने स्प्रेस जो #1 पे है सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि यहां पे क्या होता है टीम गॉडल की बात करें गाइस 14 किल्स आ चुके हैं इनके फेवर में डोमिनेशन टीम गॉड लाइक का देखने को मिलता है मार्कोस गेमिंग के प्लेयर को स्पॉट किया एंजेलो ने और काफी ज्यादा डैमेज देने में कामयाब हुए हालांकि जो नॉक्स है वो हमें देखने को मिले गोकू को स्पॉट किया बढ़िया टीपी का स्प्रे आता हुआ करण की साइड से और यहां पर ओपनिंग जो है वो क्रिएट करते हुए नजर आ रहे टीम गॉडल की बात करें गाइस पोजीशन वाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड लेट्स सी कि इसको कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाएंगे इसी बीच गाइस यहां पे टीम टीएसएम एंटिटी के जो जोनाथन है उन्होंने पहला नॉक निकाल दिया है 17 प्लेयर्स आर स्टिल सर्वाइविंग मैं आपको लेकर चलता हूं गाइस टीम गॉडल के पास काफी अच्छा साउंड कर रहे हैं आज अच्छी पोजीशन पे पर जो फाइट है इनिशिएट हो चुकी है यहां पे जोनाथन के ऊपर कुछ नेट जो है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं एंड अगर यहां पे कनेक्शन नेट बनाता है तो दिस माइट बी एंड ऑफ टीम टीएसएम पर गाइस तारीफ करनी पड़ेगी जोनाथन की टॉप 6 में लाने में कामयाब हो चुके अपनी टीम को अर्ली 3 प्लेयर्स लूज कर देते टीम टीएसएम एंटिटी ने बट स्टिल दे आर इन टॉप 6 बहुत ही अच्छा गेम प्ले जो है वो यहां पे आता हुआ जोनाथन की साइड से रे जो है वो अभी के लिए क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे 6 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके लेट्स सी गाइस कि आपके जो प्रेडिक्शन थे वो सही थे या नहीं पावर हाउस जो है वो हो चुके हैं नॉकआउट इनसेन के अननोन ने किया उनको नॉकआउट टीम आरआईपी के जो प्लेयर है उनको जाना है सर्कल के अंदर एंड टीम ओपी एमवाईएम की बात करें गाइस कुछ टफ टाइम डील करते हुए नजर आ रहे हैं सर्कल के बिल्कुल एज पर है रिवाइवल यहां पे हमें देखने को मिल सकता है सेंसी की तरफ से जाता हुआ नेड प्रिंस जो है वो हो जाएंगे नॉकआउट ओनली टीम दैट इज इनसाइड द सर्कल इज टीम गॉडलाइक और अभी के लिए गाइस पूरा जो गेम है वो उनके हाथ में दिखाई दे रहा है क्या यहां से कन्वर्ट कर पाएंगे इस गेम में चिकन डिनर को ये एक देखने वाली बात रहेगी जोनाथन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं टॉप 6 में ला चुके अपनी टीम को रेड को मेरे ख्याल से स्पॉट कर लिया उन्होंने अभी के लिए अपनी पोजीशन रिवील नहीं कर रहे बात करेगा इस रेड की तो ओके स्मोक्स कर रहे हैं यहाँ पे विजन इंपेयरमेंट का काम एक्वानॉक्स जो गाइस वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं टीम आरआईपी ऑफिशियल से अपने आप को हील करने के लिए जा रहे हैं एंड ओके ये था लास्ट फर्स्ट एड अब सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा क्या कुछ नॉक निकाल पाएंगे स्पॉट किया रेड को लेकिन ये किल जाता हुआ टीएसएम एंटिटी के जोनाथन के फेवर में 5वां किल आता हुआ गाइस इनके फेवर में टीम मार्कोस गेमिंग जो है दे आर मेकिंग देयर वे इनसाइड द सर्कल दोनों को स्पॉट किया गया नॉकआउट कर दिया करण जो है वो हो जाएंगे नॉकआउट और अभी के लिए टफ टाइम डील करते हुए दिखाई दे रहे टीम मार्कोस गेमिंग के प्लेयर स्मोकी को स्पॉट किया 1v1 के फाइट है टेरेस ने बहुत ही ज्यादा लो किया गाइस ऊपर जो नॉक है वो निकालने में कामयाब नहीं हुए अब जो कवर है वो आ जाएगा टीम गॉडल का भी तो देखने वाली बात रहेगी कि डेरस जो है वो अब कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को टीएसएम एंटिटी जॉनथन की फाइट इनिशिएट हो चुकी है पोजीशन इनकी रिवील्ड है बढ़िया स्प्रे आता हुआ रेड की साइड से 7 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके गाइस अभी भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके किल्स देखते हैं गाइस कि किसने सही प्रेडिक्शन दिया है फिलहाल कल मैंने अंकित का नाम चूज किया था उन्होंने बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया आज गॉडल रेड गॉड लेवल गेम प्ले दिखा रहे हैं एंड टाइम गाइस टीम गॉडल जो है वो अभी भी सर्कल के अंदर नजर आ रही है टीम को नॉक किया प्रिंस को और ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा उससे
सर्कल के अंदर आने में कामयाब हो सकती है ये टीम। फिलहाल का टीम गॉड लाइक जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हुई टीम MYM इज द ओनली टीम दैट इज सर्वाइविंग। यहाँ पे 2v4 की सिचुएशन रहने वाली है, रेड जो है वो नॉकआउट है एंड इट्स अ 2v4 बिटवीन टीम OP MYM एंड टीम गॉड लाइक। यहाँ पे एक और प्लेयर को स्पॉट किया, नॉक करने में कामयाब हो चुके। क्या ये मोमेंटम शिफ्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब स्मोकी बचते हैं सोलो प्लेयर, एक 1v2 की सिचुएशन है। टीम OP MYM आई थिंक दैट दे माइट मेक इट, बिकॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अभी के लिए सर्कल के अंदर क्लोजिंग करने के लिए आ रहे हैं स्मोकी। क्या एक 1v2 क्लच निकाल पाएंगे? एक नेट जो है वो कुक कर तो नजर आ रहे हैं। अगर कनेक्शन बनता है, ओपनिंग मिलती है, तो हमें इंस्टेंट पुश देखने को मिल सकता है स्मोकी की साइड से। गाइस नाउ इट्स OP MYM वर्सेस स्मोकी, लेट्स सी गाइस यहां पे क्या होता है। प्रिंट में धीरे धीरे जाते हुए नजर आ रहे हैं और गाइस ये एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि यहां पर रिवाइवल अगर मिल गया गॉडल रेड को तो जो सिचुएशन है वो इवन होती हुई नजर आएगी। एक 2v2 की सिचुएशन हमें नजर आ सकती है। मैं आपको लेकर चलता हूं साइडस वाईटी के पास, प्रोन हो चुके हैं, पोजिशन रिवील नहीं कर रहे हैं, थ्रोएबल्स का भी इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे टीम वाईटी। गाइस अब यहां से जो जोन है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो सकता है किसी भी मोमेंट, बहुत ही ज्यादा जल्दी हमें वो शिफ्ट देखने को मिलेगा। ओके स्मोकी अपफ्रंट यहां पे जो फुटस्टेप है वो जरूर से आ चुके हैं और थोड़ा सा अब अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं प्लेयर्स। लेट्स सी यहां पे क्या, क्योंकि गाइस दोनों ही जो टीम्स हैं उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि सामने वाले प्लेयर्स के पास कितनी हीलिंग्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहां पे खेल रहे हैं। लेट्स सी यहां पे क्या होता है। फिलहाल अग्रेसिव स्टैंस जो है वो दिखाया है टीम गॉडल ने। मैं आपको लेके चलता हूं स्मोकी के पास, यहां पर थोड़ा सा स्पॉट करने की कोशिश करी सेंधी को, क्या स्पॉट, पहला नॉक आता हुआ साइरस फाइटी के लिए। 1v2 की सिचुएशन है, ओपन में आया स्पॉट किया स्मोकी को एंड टीम गॉड लाइक कमिंग अप विद अ विनर विनर चिकन डिनर। चौदह और छह 20 और 5 25 किल के साथ निकाला है, बढ़िया विनर विनर चिकन डिनर गॉडल रेड विद 7 किल्स। तो गाइस जिसने भी 7 किल्स का प्रेडिक्शन दिया मैं आप लोग को भी जल्दी से बता दूंगा कि कौन है वो लकी।